हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE रॉ के एपिसोड के बारे में और जानेंगे कि क्या क्या देखने को मिलता है। वहीं स्टेफनी मैकमैन आज क्या बड़ा अनाउंस करने वाली हैं, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत विंस मैकमैन से हुई, वो रिंग में खड़े होते हैं, वहीं पूरा रॉ रोस्टर स्टेज पर होता है। विंस मैकमैन कहते हैं, वेलकम मंडे नाइट रॉ, ऐतिहासिक अनाउंसमेंट के लिए हम बुलाना चाहेंगे WWE CEO और रॉ कमिश्नर स्टेफनी मैकमैन एंड ट्रिपल एच को। दोनों की एंट्री होती है। स्टेफनी मैकमैन बोलते हैं, बहुत मुश्किल होता है इतिहास बनाना और एक ऐसा जिसे हम अपनी पूरी लाइफ रहते हुए याद रखते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं, हम आगे बढ़े उससे पहले आप सभी का ध्यान में WWE सुपरस्टार की तरफ ले जाना चाहूंगा। मैं यहां खड़े केवल रॉ सुपरस्टार की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं रॉ, स्मैकडाउन, NXT, NXT UK, 205 लाइव और उन सभी सुपरस्टार की बात कर रहा हूं जिन्होंने भी रोप के अंदर अपने कदम रखे इस रिंग में एक डिजायर के साथ पूरे वर्ल्ड को एंटरटेन करने के लिए। ये रात जो आती है ये सभी आपकी वजह से आती है, आप सभी का डेडिकेशन, पैशन, सेक्रीफाइस, स्वेट, ब्लड और टीयर्स की वजह से ये आज पॉसिबल है। ये सब आप लोगों ने अकेले नहीं किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जायंट टीम है। जब एक WWE सुपरस्टार बनता है और उसके बाद रिंग में अपने कदम रखता है और एक अल्टीमेट ट्रस्ट के साथ, आपसे अच्छा एथलीट और कोई नहीं है, इसके बाद वो वुमेन्स पे ध्यान ले जाते हैं और कहते हैं कि इन सभी ने आपको सपोर्ट करा है डे वन से, हर तरह से, चाहे वो फर्स्ट आयरन मैन मैच हो, मनी इन द बैंक मैच हो, एलिमिनेशन चैम्बर हो, रॉयल रंबल हो, हेलेना सेल हो, इन सभी में आपको सपोर्ट करा गया, हम सभी को आप पर गर्व है। इसके बाद स्टेफनी मैकमैन कहती हैं कि जैसा कि ट्रिपल एच ने कहा, ये पॉसिबल नहीं था, एक इनक्रेडिबल टैलेंट की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं था आप सभी के बिना। उनका इशारा ऑडियंस से था, आप सभी ने वुमेन्स को काफी सपोर्ट करा, आपकी वजह से ही WWE डिवाज आज WWE सुपरस्टार बन पाई हैं। मैं आज यहां एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रही हूं, 28 अक्टूबर 2018 को WWE से 50 वुमेन्स पार्टिसिपेट करेंगी एक इवेंट में जिसका नाम होगा एवोल्यूशन। ये एक ऑल वुमेन्स PPV होगा और ये WWE का फर्स्ट ऑल वुमेन्स PPV होगा। इसके बाद हमें बी टीम वर्सेस मैट हार्डी, ब्रे वाइट के बीच रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और बॉब डल्लास और ब्रे वाइट आमने सामने आए। इसके बाद मैट हार्डी ने आके डल्लास को मारा, एक्सल ने आके थोड़ा कंडीशन को संभाला, वहीं डल्लास ने हार्डी पर अपना मूव लगाया और कर्टिस एक्सल ने कवर करके मैच जीत लिया। जीत के बाद ब्रे वाइट ने सिस्टर एबिगेल मार के बी टीम पर अटैक करा। इसके बाद हमें शाशा बैंक्स, बेले वर्सेस समंथा सिमोन, करेन लुंडी के बीच मैच दिखा। ठीक ठाक मैच था इनके बीच, आसानी से शाशा बैंक्स और बेले ने जीत दर्ज करी। खास बात यह रही कि जीत के बाद दोनों एक दूसरे के गले लगी। इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन का सेगमेंट दिखा, अलायंस स्टेज पर गाना गा रहे होते हैं, तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री हो जाती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिंग में आके वुमेन्स को बधाइयां दी और स्पेशली अपनी मिक्स मैच पार्टनर अलेक्सा ब्लिस को। स्ट्रोमैन ने इसके बाद रोमन रेंज और बॉबी लैशले के मैच के बारे में काफी सारी बातें करी। उन्होंने कहा, ब्रॉक, रोमन और ब्लैशले कोई भी चैंपियन बन जाए, लेकिन मेरे पास ब्रीफकेस मौजूद है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तभी एंट्री होती है केविन ओवंस की। केविन ओवंस काफी अपसेट थे, उन्होंने एक्सट्रीम रूल्स का मैच स्ट्रोमैन को याद दिलाया और केविन ओवंस के ऊपर काफी सारे आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मेरा भी 10 साल का लड़का है, हो सकता था कि निकोलस की जगह मेरा बेटा ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ रहकर टैग टीम चैंपियन जीत सकता था, ये मेरा सपना था, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस सपने को कुचल दिया, ठीक वैसे ही जैसे एक्सट्रीम रूल्स में मेरी स्पाइन में दिक्कत कर दी। मेरी एक छोटी बेटी है, वो डरी हुई है जब उसने मेरा फेस देखा। केविन ओवंस ने कहा कि अब मेरी बारी है, तुम्हारी प्रॉब्लम अब बढ़ने वाली है। तभी बैरन कॉर्बिन की एंट्री हुई, वो कहते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन, जैसा कि तुम जानते हो कि स्टेफनी मैकमैन आज रात यहाँ है और उन्होंने मुझे पावर दी है इस सिचुएशन को हैंडल करने की। एक्सट्रीम रूल्स में तुमने जो भी किया वो सही नहीं था, बट तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कोई है। तभी एंट्री होती है जिंदर महल की, उन्होंने आके कहा कि मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें शांत करने, कांस्टेबल बैरन कॉर्बिन और स्टेफनी मैकमैन ने पर्सनली मुझे भेजा है तुम्हारे गुस्से को शांत करने के लिए। जिंदर महल करते हैं, सांस ऊपर लो और कहो शांति। ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं, जिंदर पता है ये फॉर्मूला काम करता है और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि तुम यहां आए, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे अंदर काफी गुस्सा है। ब्रॉन कहते हैं, मेरे पास भी एक मंत्रा है, हे लिटिल मैन कम हियर। सुनील सिंह को बुलाते हैं और माइक पकड़ा के कहा कि सब अपनी आंखें बंद करेंगे, ऑडियंस से कहा कि आप भी करेंगे और मैं जो कहूंगा उसे आप भी रिपीट करेंगे। जिंदर महल को इसके बाद किक पड़ी और सुनील सिंह को पकड़कर रनिंग पावर स्लैम दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन ने। इसके बाद नटालिया वर्सेस मिक्की जेम्स के बीच मैच दिखा, मिक्की के साथ अलेक्सा ब्लिस भी थी। मिक्की जेम्स ने शुरू में अटैक करा, नटालिया ने भी वापसी करी और मिक्की जेम्स पर अटैक करा। अलेक्सा ब्लिस लगातार रेफरी और नटालिया का ध्यान हटा रही थी, मिक्की जेम्स ने इसका फायदा उठाया और मैच में जीत दर्ज करी।
इसके बाद शो बैक स्टेज जाता है जहां केविन ओवंस ने स्टेफनी मैकमैन से ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में कहा कि मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। उन्होंने समर स्लैम में मैच का आइडिया दिया और वो भी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के लिए। स्टेफनी मैकमैन ने उनकी ये बात मान ली और मैच अनाउंस कर दिया। अब हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन और केविन ओवंस के बीच मैच दिखेगा मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए। इसके बाद फिन बैलर वर्सेज ड्रू मैकइंटायर के बीच मैच दिखा। शुरू से ही बैलर ने ड्रू मैकइंटायर पर अटैक करा। ड्रू मैकइंटायर के लिए वापसी थोड़ी मुश्किल थी। बैलर ने ड्रू मैकइंटायर पर अच्छा कंट्रोल कर लिया था। ये देखकर डॉल्फ जिगलर ने आके दखलअंदाजी की। रेफरी ने मैच डिस्क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर फिन बैलर पर अटैक करा। तभी एंट्री हुई सेथ रॉलिंस की और कर्ट एंगल ने इसे टैग टीम मैच बना दिया। मैच फिर से शुरू हुआ इन चारों के बीच। चारों ने खूब दम दिखाया इस मैच में। नतीजा इस मैच का सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के फेवर में गया। दोनों ने यहाँ जीत दर्ज करी। इसके बाद लिव मॉर्गन वर्सेज एम्बर मून के बीच मैच दिखा। शुरू में एम्बर ने लिव मॉर्गन पर अटैक करा। लिव ने भी वापसी करी बट जीत यहां एम्बर के हाथ लगी। इसके बाद हमें मेन इवेंट में रोमन रेंस वर्सेज बॉबी लैशले के बीच मैच दिखा। मैच शुरू हुआ, रोमन रेंस को सब बू कर रहे थे। फैंस की साइड से लैशले को काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। शुरुआत रोमन रेंस ने लैशले पर अटैक से करी। लैशले ने भी वापसी करी, रोमन को निशाना बनाया। लैशले ने अब रोमन रेंस की जमकर धुनाई करी। रोमन रेंस ने समवन ड्रॉप लगाकर मैच में वापसी करी। दोनों साइड से अच्छे अच्छे मूव दिखे। लैशले ने स्पीयर मारकर कवर करा लेकिन रोमन रेंस ने किक आउट किया। उसके बाद लैशले रेफरी के पास थे। रोमन रेंस सुपरमैन पंच दिया और बॉबी लैशले को और स्पीयर मारने वाले थे। लैशले ने उन्हें किक मारी बट उसके बाद भी रोमन रेंस ने स्पीयर मारी और कवर करा बॉबी लैशले को और यहां मैच जीत लिया। अब हमें रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच समर स्लैम में मैच दिखाई देगा। यहीं आज का एपिसोड खत्म हुआ। काफी टाइम से ऐसी अपडेट्स थी कि रोमन रेंस और लैशले का मैच ऐसे खत्म होगा कि ट्रिपल थ्रेट मैच दिखेगा हमें समर स्लैम में, बट ऐसा नहीं हुआ। वहीं विंस मैकमैन ने एक बार फिर साबित कर दिया उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो वो सोचते हैं वो वही करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें आगे कुछ ऐसा दिखे कि ऐसा पॉसिबल हो जाए समर स्लैम में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे स्पीयर ड्राइव बाय सुपरमैन पंच लगाकर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से थैंक यू।